अपना चेहरा छुपा मंदिर में बैठो जा चाहे महाराज तो फूल कर दो तो साथ महाराज के जाए और सेना पति साथ के अंदर घुसेंगे नहीं जात के क्योंकि दोनों वो मुसलमान है इसलिए मंदिर अंदर घुसेंगे नहीं। वो मुसलमान है हिंदू पर के मंदिर में मोहम्मदन अपना कदम नहीं रख सकते। जाओ हवा की रफ्तार में जाओ देर मत करो। ठीक है महामंत्री जी मैं अभी महाराज विक्रम सिंह आप तभी मां के मंदिर से पूजा अर्चना करके वापस नहीं आ सकते। सेना पर संबत खान कहिए महाराज। वह छोटे मंत्री जलाल खान सामने देवी मां का मंदिर दिखाई पड़ रहा है मैं पूजा याचना करने जा रहा हूं तुम दोनों भाई मंदिर के गेट पर कड़ी मुस्तैनी के साथ पहरा देना जो आज्ञा कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए आज कोई गड़बड़ी नहीं होगी। भाई जान कहिए भाई जान महाराज ने जो कहा आपने सुना हाँ सुना भाई जान लेकिन भाई जान हम दोनों भाई मुसलमान हैं जी और मुसलमान के मजहब में नहीं एक क्यों मंदिर के अंदर प्रवेश करें हाँ। इसलिए आओ दोनों भाई चलते हैं मंदिर के गेट पर महाराज की रक्षा मुस्तैदी के साथ देर किस बात की भाई जान एक बार बोलो अंबे मैया की जय। अरे जय जय जगदाम्बे माता जय 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 जगदाम्बे माता संकट में है हिंदू ना मुसलमान सबसे बड़ा ईमान घुसो मंदिर के अंदर देखा जाए महाराज किस संकट में यही तो अफसोस है खूनी मंदिर में पहले से छुपा था और वो अपनी सूरत छुपाए था
मैं उसे पहचान नहीं सका और कहकर गया है। क्या कहकर गया? कि महाराज तुम्हारा राजकुमार जिंदा नहीं बचेगा। सेनापति समद खान कहिए महाराज। वो छोटे मंत्री जलाल खान जी हुजूर, बचा लो मेरे राजकुमार को, बचा लो मेरे राजकुमार। महाराज आपके राजकुमार को कुछ नहीं होगा। जिस राजकुमार को मेरी इन भुजाओं को सौंपा है महाराज, राजकुमार को कुछ नहीं होगा। भाईजान इसी वक्त आप दौड़ते हुए राजमहल राजमाता के पास पहुंचे और राजमाता से राजकुमार को लेकर मेरे भाईजान किले के बाहर निकल जाना। अपने जान की परवाह मत करना, लेकिन राजकुमार को कुछ ना होने पाए। भाईजान बोलो, राजमहल में जाऊंगा लेकिन राजकुमार को देने से राजमाता ने इनकार किया तो बोलो भाईजान फिर मैं क्या करूंगा? यदि राजमाता राजकुमार को देने से इनकार कर दिए तो राजमाता से राजकुमार को जबरदस्ती छीन लेना और उसे किले के बाहर लेकर निकल जाना। मैं महाराज को राज अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। राजमाता क्या बात है, इतना घबराया क्यों हो? राजमाता बहुत गजब हो गया, बहुत गजब हो गया राजमाता, गजब हो गया। क्या गजब हो गया? तो हम लोग महाराज पर मंत्र भेद हो गया हमला। इसलिए तुम कुंवर को दीजिए, इसकी रक्षा करूंगा। हुक्म से किसके आए कुंवर लेने करो, घायल महाराज है, चिंता करिए नहीं, सेना पतला रहे उनको दरबार। मेरे बेटे की रक्षा करो मंत्री जी, मेरे बेटे की रक्षा करो।
राजमाता लाइए लाइए राजकुमार को मुझे दे दीजिए। लाओ जलाल खान, मेरे बेटे को लेकर कहीं दूर चले जाओ। राजमाता आप राजकुमार की चिंता छोड़ दें, राजकुमार की चिंता न करें। राजमाता ये पठान की वचन ही, राजकुमार के लिए मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन अपने युवराज के ऊपर आज नहीं आने दूंगा, आज नहीं आने दूंगा। राजमाता ये पठान की वचन ही, खुदा हाफिज। जल्दी जाओ खुश रहो। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। महामंत्री भवानी सिंह बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? मंदिर के अंदर महाराज पर किसी ने हमला कर दिया। क्या कहा? मंदिर के अंदर महाराज पर हमला, तब तो बड़ा गजब हुआ। लेकिन महारानी जी आप ये बतलाइए कि आपका राजकुमार कहाँ पर है? अरे वो बागी यहाँ भी आने लगा था, इसलिए मैं अपने राजकुमार को जलाल के बाजू में सौंप दिया उसकी रक्षा के लिए। जलाल के बाजू में महारानी जी, यह राजकुमार जलाल खा के बाजू में है तो राजकुमार के सर पर किसी प्रकार की बला नहीं छा सकती है। आंसू मत बहाओ, मुझे आदेश दो, मैं मंदिर की तरफ जाऊं और हमला करने वाले का पता लगाऊंगा। जल्दी जाओ पता लगाओ उस बागी का, खुद मेरे महाराज के ऊपर हमला किया। महारानी की जय हो। सामने किला दिखाई दे रहा है, मैं अपने राजकुमार को लेकर किले के बाहर हो जाता हूँ ताकि मेरे राजकुमार की जान बच जाए। सिपाहियों आओ हम जलाल की रास्ता रोकते हैं। ये तो कुंवर को हो जाते जाल खाले, तो हो जाते तो जलाल खाप, इसकी रक्षा करो हुको मेरे लिए, इसलिए तुम कुंवर को मुझे दीजिए। शाही आदेश है हुकुम तो कुंवर को सौंप है रानी माने, मुझे कुंवर को सौंपा को नहीं, कुंवर के वास्ते ये चोरी चोरी चली, पर कुंवर को मैं दूंगा किसी मार सके। या खुदा मेरे कई गोलियां लग चुकी हैं, लगता है मैं अपने राजकुमार को नहीं बचा पाऊंगा। सामने
सामने माँ गंगा बह रही है, मैं अपने राजकुमार